हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वृषा कंसेप्चुअल क्लासेस। कंटिन्यूइंग विद चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू। दिस स्मॉल लाइन डी ई इज पैरेलल टू दिस ओ क्यू। डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर एंड वी हैव टू प्रूव दैट ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। मतलब ये जो डॉटेड लाइन मैंने बनाई है दैट इज पैरेलल टू क्यू आर। तो क्या अप्रोच यूज करेंगे जब हम सोचते हैं क्वेश्चन के बारे में कि उसे किस तरह से सॉल्व करना है, तो क्या अप्रोच यूज करनी है। देखो, हमने अभी तक दो चीजें पढ़ी हैं। पहली चीज हमने पढ़ी है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दूसरी चीज हमने पढ़ी है कन्वर्स। तो बीपीटी क्या कहती है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो सेम रेशियो में डिवाइड होता है, और कन्वर्स क्या कहती है, अगर सेम रेशियो में डिवाइड होता है तो दो लाइंस पैरेलल है। तो देखो, यहां पर हमें दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है। अगर हमें किन्हीं भी दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना है तो मतलब हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, कन्वर्स बीपीटी का। ठीक है, कन्वर्स बीपीटी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम क्या करेंगे, अगर हम ये प्रूव कर दें, अगर हमें ये प्रूव करना है ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, तो उसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कन्वर्स बीपीटी। उसके लिए हमें ये चाहिए दैट ये जो लाइन ई एफ है ये इन दो साइड्स को एक सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। उसके लिए हमें ये चाहिए। तो देखो, अगर हम ये प्रूव कर दें दैट पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, अगर हम इस चीज को प्रूव कर दें दैट PE अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, अगर ये चीज प्रूव हो जाती है तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम ये कह सकते हैं दैट ई एफ विल बी पैरेलल टू क्यू आर। ओके, तो ये जो हमें प्रूव करने को दिया हुआ था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें ये प्रूव करना है, ये प्रूफ करना है किसकी मदद से प्रूफ करना है, जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है डीई पैरेलल टू ओ क्यू दिया हुआ है, डी एफ पैरेलल टू ओ आर दिया हुआ है। अब ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो हमने प्रूफ करा था उस टाइप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन, गिवन है हमें दैट डीई इज पैरेलल टू ओ क्यू एंड डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, और फिर हम लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, और ब्रैकेट में अपने रेफरेंस के लिए आप लिख सकते हो पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर अपने रेफरेंस के लिए। ठीक है, ताकि आपको याद रहे कि मुझे ये प्रूव करना है, इससे ये तो डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा सीधा एक कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, अगर हमें पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल प्रूफ करना है तो इसमें कॉमन देखो क्या है, कॉमन लाइन इज पी ओ, दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं पी क्यू ओ एंड पी आर ओ, इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच में कॉमन क्या है, पी ओ कॉमन है। एक एक करके देखते हैं, अब इन ट्राइंगल पी क्यू ओ डी ई इज पैरेलल टू ओ क्यू, दिस इज गिवन। एक बार मैं ये डॉटेड लाइन रब कर रहा हूं, बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब आपको देखना है सिर्फ ट्राइंगल पी क्यू ओ, इस ट्राइंगल में डी ई जो है वो ओ क्यू के पैरेलल है, देयर फोर पी ई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल्स टू पी डी अपॉन डी ओ, पी ई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ऊपर वाला पोर्शन के सामने ऊपर वाला पोर्शन आएगा, नीचे वाले के सामने नीचे वाला आएगा। ठीक है, क्यों है ये दोनों इक्वल, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाउ अगेन आई एम राइटिंग बाय बीपीटी, आपको फुल स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब पी डी और डी ओ जो है, दूसरे ट्राइंगल की बात करें अगर हम,
इन ट्राइंगल पी आर ओ डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर, दिस इज ऑल्सो गिवेन टू अस। अब ये सेकेंड वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, ये वाला, इसको मैं वन लिखता हूं, तो इसको सेकेंड। नाउ अगेन पी डी अपॉन डी ओ विल बी इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे अगेन बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर आपने यहां पर फुल स्टेटमेंट लिख दिया है, यहां पर यू कैन राइट बाय बीपीटी, दोबारा फुल स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन वन और टू को कंपेयर करो, क्या कॉमन है? पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, अगेन यूजिंग द कॉन्सेप्ट ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, देयर फोर ए इज इक्वल टू सी। तो हम क्या बोलेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन वन एंड टू, दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर रहे हैं, वी गेट पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, ये हमें मिल जाता है जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ओके। सो अब हमें क्या करना है, पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर, ये तो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बाय कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, अगेन आई एम राइटिंग कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, आपको फुल स्टेटमेंट लिखनी है यहां पर, सिर्फ ये नहीं लिखना बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, फुल स्टेटमेंट लिखोगे बीपीटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम कहती क्या है। उसके बाद आप ये लिखोगे इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयर फोर पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, देयर फोर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। अब हम ये लाइन बना देते हैं, इस वाली, ये वाली लाइन जो हमने पहले डॉटेड बनाई थी, अब हम इसे सॉलिड लाइन बना देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने पहले प्रूव वही किया जो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में भी कर रहे थे। उसके बाद हमने एक स्टेप और बढ़ा दिया कि क्योंकि पीई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल है, देयर फोर अगर हम टोटल ट्राइंगल देखे पी क्यू आर, ये पूरा ट्राइंगल देखे, अगर आपको सिर्फ सिंपल ऐसे क्वेश्चन दिया होता पी क्यू आर और एक लाइन ये दी होती ई एफ, तो आप क्या बोलते हैं, क्योंकि पीई और क्यू ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर के इक्वल आ गया है इसीलिए ई एफ और क्यू आर पैरेलल है, तो बाकी सब चीजों को निग्लेक्ट करके सिर्फ इतनी फिगर को देखना है। ठीक है, तो आपका आंसर प्रूव हो जाता है। ओके, तो अगेन आपको ट्राइंगल्स आइडेंटिफाई करने हैं, मुझे कौन कौन से ट्राइंगल्स पे काम करना है, कॉमन साइड निकालने की कोशिश करो कि इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है, जो अनकॉमन साइड्स है उनको आपस में इक्वल प्रूफ कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। लगभग सभी क्वेश्चंस में इसी तरह से करना है। ठीक है, गो थ्रू दिस क्वेश्चन, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।